कांग्रेस में आया बड़ा भूचाल, राहुल के उड़ गए होश। प्रमोद कृष्णम के बाद पी चिदंबरम ने कर दिया खेल। बड़े बड़े नेताओं को भा गए मोदी, कांग्रेस के अपने ही बने विरोधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कांग्रेस में इस वक्त बड़ा भूचाल आ गया है क्योंकि पार्टी छोड़कर जाने वालों की झड़ी लग गई है। कोई बीजेपी में पहुंच रहा है तो कोई बीजेपी के सहयोगी दलों में। इसी बीच कांग्रेस के होश उड़ा देने वाली एक और बड़ी खबर सामने आ गई है और ये खबर है पी चिदंबरम के झटके की। हालात बयां कर रहे हैं कि अब पी चिदंबरम भी जल्द कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं। कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि खुले मंच पर पी चिदंबरम पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सुनाई पड़े। पी चिदंबरम की इस तारीफ ने पूरे देश को चौंका दिया। पी चिदंबरम ने कहा कि इस सरकार को अगर कुछ लागू करना होता है तो बहुत अच्छे से करती है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। चिदंबरम यही नहीं रुके, आगे उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जो खुलासा किया उससे तो पूरे इंडिया गठबंधन को ही सदमा लग गया। पी चिदंबरम ने आगे कहा कि अगर 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है तो इससे हमें खुशी ही मिलेगी। अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्रीय दलों को ही हो सकता है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो इससे कुछ विपक्षी दलों का अस्तित्व खत्म हो सकता है। तो साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कोलकाता में लिटरेचर फेस्टिवल में चिदंबरम ने मोदी सरकार की नीति, मोदी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की है। न राहुल गांधी की चिंता की है, न सोनिया गांधी की, बल्कि प्रमोद कृष्णम की तरह सच्चाई उगली और कांग्रेस को आईना दिखा दिया कि मोदी की जीत होगी और कांग्रेस जैसी पार्टियों का खात्मा तय है। खैर, पी चिदंबरम के इस बयान से कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। हालांकि चिदंबरम से पहले उनके बेटे कार्ति चिदंबरम भी खुलकर पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। कार्ति चिदंबरम ने तो राहुल गांधी की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अधिक लोकप्रिय तक बता दिया था। यही बयान चिदंबरम के लिए मुसीबत भी बन गया। कार्ति चिदंबरम ने खुलकर कहा था पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, वो राहुल गांधी से अधिक लोकप्रिय हैं। तो चिदंबरम का परिवार अब समझ चुका है कि कांग्रेस आने वाली नहीं है और मोदी राज खत्म होने वाला नहीं है, इसलिए इन लोगों ने भी संकेत देना शुरू कर दिया है कि अब वो खेल कर सकते हैं। खैर, इस तरह खुलकर पीएम मोदी की तारीफ करना कार्ति चिदंबरम को महंगा भी पड़ा था। कांग्रेस ने तुरंत उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया था, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने राहुल गांधी को कमजोर कहा तो दूसरी तरफ कार्ति चिदंबरम ने जिस ईवीएम पर कांग्रेस भरोसा नहीं करती, बवाल करती है, उसे अपनी हार का जिम्मेदार बताती है, ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है। कार्ति चिदंबरम ने कांग्रेस को तमाचा मारते हुए उस ईवीएम मशीन पर ही भरोसा जता दिया। खैर, ऐसा लग रहा है कि पार्टी की कहानी से कार्ति चिदंबरम के अलग होने ने आंतरिक जांच में योगदान दे दिया है। बेटा तो छोड़िए, अब तो पिता भी खुलकर कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी पीएम मोदी के कामों और नीतियों के फैन हो गए हैं। यही बात बार बार प्रमोद कृष्णम भी बोल रहे थे, कैमरे पर कांग्रेस की कमियों को गिनवा रहे थे। कांग्रेस को प्रमोद कृष्णम ऐसे चुभे कि तुरंत उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। यही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ। मिलिंद देवड़ा के बाद सिद्दीकी पार्टी छोड़कर निकल पड़े और कांग्रेस मुंह देखती रह गई। भी पार्टी छोड़कर जा रहा है, बस राहुल गांधी पर ही तीर चला रहा है। इस वक्त कांग्रेस ना तो घर की रही है ना घाट की। हालात बयां कर रहे हैं कि जल्द ही कांग्रेस का दी एंड होने वाला है और चिदंबरम भी पार्टी छोड़कर नया रास्ता देखने वाले हैं। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।